99% लड़का गलत होता है, 99% गलत होता बिल्कुल है। सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी, अच्छी भी लगती है, फिर ऐसा क्या वो जो है कि वो शादी आपसे करने से इनकार कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज, मैं हूँ मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला में, और ये लड़की जो आप देख रहे हैं, एक युवक इसको 5 साल तक अपनी पत्नी की तरह रखा, और 5 साल बाद जब ये शादी की जिद करने लगी तो इसे शादी से इनकार कर दिया, और इसे अजीब अजीब गालियों के साथ बिहेव करता है। इसे बात करते हैं, क्या हुआ था आपके साथ? लड़का से मेरा 5 साल तक का रिलेशन था, साथ में रहे, यहाँ तक भी रहे, और बातचीत होती रही, बोला हम तुमसे शादी करेंगे, और पैसा वैसा भी दिए थे उसको। उसके बाद बोला कि हम कारखाना खोल लेंगे तो शादी करेंगे। जब हम गांव आए, उसको बोले शादी करने के लिए, तो बोला हम नहीं करेंगे। तो हम पंचायत बैठा है, पंचायत में हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, वो लोग पैसा ऐसा कहीं भर दिया और सब एक तरफा फैसला कर दिया। अच्छा, आप बोले हैं कि आपसे पैसा भी लिया, कितना पैसा लिया था? ऑनलाइन से कम तकरीबन 5,000, और कैश में लिया है 50,000। अच्छा, आप ये इससे पहले बाहर रहती थी? जी, मैं बचपन से बाहर रहती हूँ, बस लॉकडाउन से पहले उर्दू पढ़ने के चक्कर में मैं गाँव में रुक गई थी। हाँ? तो वही 2 साल में रही थी, तो तभी मेरा उससे बात हुआ था। अच्छा, 2 साल आप गाँव में रही तो उसे कॉन्टेक्ट हो गया और उसे प्रेम हो गया, और 5 साल तक लगातार वो चलता रहा। जी, अब वो शादी से इनकार कर दिया। अच्छा, आप पंचायत बैठाई तो पंचों ने क्या फैसला किया था? देखिए, उसमें सरपंच जी नहीं आए, बस मुस्लिम समुदाय में लोग थे, बोले कि हम लोग आपके हक में फैसला करेंगे, शादी कराएंगे। जितने भी लोग हैं सब बोले कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, और हमसे साइन भी ले लिया गया कोरे कागज पे कि साइन, हम तुम्हारे शादी करवाएंगे, पूरे कोरे कागज पे साइन लेके। फिर बोला कि बाद में कि शादी नहीं होगा, जब साइन ले लिया तो अपनी मर्जी से लिख के बोला साइन नहीं, अब शादी नहीं होगा। तो उस कोरे कागज पर आखिर लिख क्या दिया? वो लिख दिया कि 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना भरेगा लड़का लड़की, अपना अपना माँ बाप जहाँ मर्जी ले जाके शादी करे। मतलब लड़की भी 50,000 जुर्माना भरेगी या लड़का भी भरेगा? जी मैम। तो आप ये नहीं बोले कि हम 50,000 रुपया कहाँ से लाएंगे और गलती हमने क्या किया है? मैं उनसे कोई पूछा ही नहीं, उसके बाद सब अपना अपना चलाने लगा। उसके बाद बोला कि तुम मर जाओ घर जाओ, हम उससे मतलब नहीं है। ये शब्द कौन बोला था? पूरे समाज के लोग में बीच में बोले हैं कि तुम कहीं भी जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, फैसला हो गया है। दो चार आदमी बोले हैं कि तुम कहीं भी जाओ मर जाओ, आदमी उसी के घर के आस पड़ोस के लोग बोले हैं, और उसके घर वाले बोले हैं कि तुम मर जाओ घर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा, आप थाने में केस की है? जी मैम। क्या बोले हैं पुलिस? पुलिस अभी तक कुछ बोले नहीं, अभी FIR दर्ज हुआ है, बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे जी। फिलहाल अभी केस की आपको 4-5 दिन हो गया जी। तो क्या 4-5 दिनों में क्या पुलिस की ऐसी कोई? जी, हम कोर्ट में थे तो आए थे, सर आए थे तो इंक्वायरी हुई ही थी, अब पता नहीं क्या हुआ, उस दिन हम थे नहीं, फिर कल रात को भी आए थे इंक्वायरी करने के लिए, हमसे पूछे बस आगे, फिर गांव में चले गए, उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ। अच्छा, यहाँ से मेडिकल उडिकल के लिए भी आपको ले गया था क्या? जी मैम, मेडिकल के लिए ले वहाँ रखा था या सिर्फ करके भेज दिया गया? उसी दिन भेज दिया, मेडिकल रिपोर्ट उसी टाइम। अच्छा, आप इतनी सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी, अच्छी भी लगती है, फिर ऐसा क्या वो जो है कि वो शादी आपसे करने से इनकार कर रहा है? ये तो उसी को पता होगा ना, वो क्यों ऐसा कर रहा है ये तो वही जानता हो, क्योंकि उसकी आदत ही खराब है। कहीं ना कहीं बात बीच में मुझे कुछ और भी सुनने को मिला है, अब क्या है नहीं है वो तो वही जानेगा कि क्यों मना किया है। पहले बोला पंचायत से 2 दिन पहले बोला हम शादी करेंगे, उसके बाद फिर बोलता है कि हम जो पंचायत कहेगा हम वो करेंगे, क्योंकि तब तक तो वो अपना काम कर चुका था, सब अपना घर में मतलब कि राय विचार करके अपने एक तरफा कर लिया, पैसा वैसा कहीं भर दिया और अपना काम हो गया उसका। मतलब आप बोली है नया कुछ सुने थे, नया ऐसा क्या सुने थे? नया कुछ ऐसा सुने कि वो किसी और लड़की से भी बात किया है बीच में, हम यहाँ जब आए हैं तो हमें पता चला है कि बीच में कोई और लड़की भी उससे बात करती थी, तो उस लड़की की शादी हो गई है। हम उसका नाम लेना नहीं चाहेंगे अभी। हाँ, तो उसकी शादी हो गई है, तो उस लड़की के घर वाले उसको दबाव दिए हैं कि मतलब कि अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो हम अपनी बेटी का तलाक दिला के और तुम्हारी शादी तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। अगर तू उस लड़की से, क्योंकि मेरी बेटी से शादी नहीं किया तो तू उस लड़की से भी नहीं करेगा, तो मेरा तो 5 साल से था, और बीच में कब घुसी नहीं घुसी ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, 5 साल से आपके साथ प्रेम प्रसंग था जी,
आपने कहा कि कई बार आप मतलब पति पत्नी के तरह भी रहे हुए हैं, फिर भी आपको छोड़कर एक शादीशुदा लड़की के ऊपर उसका दिल आ गया। नहीं, शादीशुदा नहीं थी पहले, शादी तो अभी हुई है उसकी, शादी पहले कुंवारी थी, अभी हाल फिलहाल उसकी शादी हुई है। मतलब शादी से पहले से उसके साथ भी चक्कर था जी? अब पता चला है लोगों को कि उसके साथ पता चला है उसको, तो हम बोले शादी करने के लिए हमसे, तो उस लड़की की शादी के 2 ही दिन बाद हम पूरे पंचायत में ये बात को रखे कि हमारे साथ 5 साल बात किया है, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, शादी हो। तो हम सभी इस गांव समाज के लोगों ने कहा कि तुम्हारी शादी करवाएंगे। अच्छा, आप क्या इंसाफ चाहती है? हम यही चाहते हैं कि वो मुझसे शादी करे। शादी करे जी, और कुछ नहीं जी? नहीं, उसके वजह से बदनाम हुए। आप मीडिया में आना भी नहीं चाह रही थी, हमने आप बहुत कहा तो आप मीडिया में आई है, कि आप क्यों नहीं आना चाह रही थी सो बताइए। अब मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे कौन शादी करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई थोड़ी ना कहेगा। जब देखो, नहीं जो जानता है वो कर लेता है, जो जानेगा कि लड़की ऐसी है फलाने है, तो कोई थोड़ी ना शादी करेगा मुझसे। आजकल तो नॉर्मल बात हो गया है ना, कहीं ना जानेगा वो लड़का क्या चाहता है नहीं चाहता, वो तो वो समझे, मुझे क्या पता। मतलब आपका कहना है कि कोई भी गलती की सजा आप ही को मिलेगा? वो उसका कहना है ना, मेरा कहना है कि जब गलती हम दोनों की है तो शादी वो क्यों पीछे हट रहा है? वो पहले सोच लेता ना कि हाँ मुझे शादी भी करना पड़ जाएगा, हम पहले ही हट जाएंगे पीछे। क्यों नहीं हटा वो पीछे? क्यों आया मेरे पीछे? क्यों मेरे को फोन करता था, नहीं बात करते थे, ब्लैकमेल करता था वो मुझे। ब्लैकमेल करता था? बिल्कुल ब्लैकमेल करता था वो मुझे। क्या कहता था? कहता था अगर तू फोन नहीं उठाएगी तो हम तुम्हारे गांव समाज में बदनाम कर देंगे। तू जो बोलता था अगर नहीं मानते थे तो हर बात के लिए ब्लैकमेल करता था। हर मेरे पास ब्लैकमेल का सबूत है, ब्लैकमेल का सबूत है मेरे पास, पूरे मैसेजेस है उसके। हाँ बिल्कुल है। बोलता था कि अगर तू फोन नहीं उठाएगी तेरे बाप को फोन करके गाली दूंगा। तुम मेरे बहन के घर फोन ससुराल में फोन कर देती थी, कभी उस बहन के कभी उस बहन के। और अब यहाँ से भाग रहा है? अब बोलता है कि फोन नहीं उठाएगी तो हम पूरे गांव समाज के बीच में फोन करके बोले भेजेंगे लड़का सबको कि अगर तू एक लेकिन लड़का जाएगा तुम्हारे घर वाले के सामने तुझे जलील करेगा फोन ले जाके। मतलब उस समय इतना प्रेम था कि आपको ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गया, अब वो प्रेम खत्म हो गया कि मतलब ऐसा खत्म हो गया कि ताकने पर भी? हाल फिलहाल की बात है जो ब्लैकमेल किया है, दूर की बात नहीं है, हम गाँव में थे तभी की बात है, तब हम ये एक्शन उठाए कि ब्लैकमेल कर रहे हो तुम, शादी भी नहीं कर रहे हो तो क्या क्या करें हम, कहाँ जाएंगे बताओ। चलिए, आपने देखा कि ये लड़की जो है मतलब काफी खूबसूरत है, अगर कोई बेवकूफ ही होगा कि ऐसी लड़की को नकार देगा, और ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी है, और इसका कहना है कि हमने 50,000 मदद भी किया कि वो अपना कारखाना खोल लेगा तो हमसे शादी करेगा, लेकिन अब देखिए कि वो लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है, और ये बेचारी है जो थाने के चक्कर लगा लगा करके तंग आ गई है। 5 दिन पहले FIR की थी, फिलहाल उनकी अम्मी है हमारे साथ, इसकी अम्मी से बात करते हैं। आपकी बेटी के साथ जो हुआ है उसमें आप प्रशासन से क्या इंसाफ मांग रही है? वही से शादी करे। शादी करे कि आपकी बेटी से शादी कर ले, बस यही चाहिए? हाँ, हमको पहले से मालूम नहीं था, जब मालूम हुआ तो हम भी सोचे कि चलो इज्जत है दोनों के, प्रेम मोहब्बत हो गया, शादी करके अपना इज्जत। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपकी बेटी को उससे प्रेम हो गया या उसको? चला पहले नहीं चला। कितना दिन पहले? जब गाँव आया तब चला पता। आप भी बाहर ही रहती है? हाँ जी, हम भी बाहर ही रहते हैं, पूरा फैमिली के साथ उर्दू पढ़ाई करने के लिए इसको 2 साल यहाँ छोड़ दिए। हाँ, क्योंकि वहाँ उर्दू नहीं आता, कोई पढ़ाता नहीं है, वहाँ दार्जिली रहते थे? नहीं, और शहर रहते थे, पंजाब में रहते थे। अच्छा। शहर में रहते थे, दूसरे शहर में, लेकिन नहीं आता था ना, इसलिए हम गाँव में इसको छोड़। मतलब 2 साल आप इनको क्या रखे, इनके जीवन में एक ग्रहण लग गया क्या? जी, ग्रहण लग गया। जब आपको प्रपोज किया था तो क्या आप उस समय एक बार में तैयार हो गई या बार बार किया? जी ऐसा नहीं है, उस टाइम बोला था तो हम मान गए थे, पहले 1-2 बार बोला तो हम इग्नोर कर दिए थे, फिर हम खुद ही मान गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, 1-2 बार आपको प्रपोज किया था, इनकार कर दिए, लेकिन वो 2-4 बार आपको पीछा करते रहा था, आप मान भी गए? बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली भी गए थे उसके साथ घूमे। अच्छा, वो पंजाब भी आया था, वो पंजाब में घूमा भी मेरे साथ, गांव में रहा भी मेरे यहाँ 5-6 दिन। हाँ जी, पंजाब में आपकी अम्मी अबू के साथ? तब हम अम्मी अबू को ये नहीं बताए थे कि हम उससे बात करते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों को समय आप अम्मी अबू तक घर पे ही रहेंगे? जी जी, वो मेरे भाई के कारखाने में रहता था, मतलब कि तब चूंकि उसको पता था कि गांव वाला है, तो इस वजह से मेरे भाई ने 2 CR समझ के रखा था, उनको नहीं पता था कि हमारा बातचीत है उससे, किसी फैमिली में किसी को नहीं पता था।
अब बताइए कि क्या कहा जाए। अगर कोई लड़की किसी के प्रेम को स्वीकार नहीं करती है तो लड़का लगातार उसको प्रपोज करता रहता है, करता रहता है। देख रही हूँ, वही बात कर रही हूँ, लगातार प्रपोज करता है। जब लड़की मान जाती है तो उसे कुछ दिन के लिए प्रेम रहता है, उसके बाद प्रेम कहाँ चला जाता है जब शादी की बात आती है। यही बेचारी 2 साल क्या यहाँ उर्दू सीखने के लिए रुकी, और 2 साल में इनके जीवन में क्या हुआ कि कर रही है 2-4 बार प्रपोज किया, जब नकार दी फिर जाकर उसको एक्सेप्ट कर ली। शादी समय लगा होगा कि हमसे शादी करेगा, ये है ना, बिल्कुल। और अब देखिए कि वो शादी से इनकार कर रहा है। बाकी बात क्या, बहुत सारी लड़कियां प्रेम प्रसंग में डूबी जाती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बोलिएगा, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सब कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, जिंदगी खराब है और कुछ नहीं है। मतलब जिंदगी खराब है, बिल्कुल खराब है, ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लड़का पर भरोसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। 99% लड़का गलत होता है, 99% गलत, बिल्कुल गलत है। अब सुन लीजिए, जो बहने मेरी दर्शक है जो हमारी वीडियो देखती है, इन बहन की बातें सुन लीजिए कि 99% लड़का गलत होता है। आप प्रेम प्रसंग में ना डूबे, माँ बाप जहाँ शादी कर देता वहाँ रहे, अगर पढ़ने की उम्र में प्रेम प्रसंग में ना जाए, अच्छे से पढ़ाई करे ताकि आप एजुकेशन अच्छे प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाते हैं तो अच्छा लड़का मिलेगा। प्रेम प्रसंग के चक्कर में आए दिन जिले में हमको लगता है कि 50% से ज्यादा लड़की की जीवन बर्बाद हो रही है। इसे सुधारने की बात है, लड़की अपना आँख खोल कर देखे तो आए दिन जिंदगी बर्बाद हो रही है। सुधरिए आप, जितनी लड़कियां हैं सुधरिए, नहीं तो आज इनके साथ है कल आपके साथ, परसों आप किसी के साथ, हमेशा घटना घटते रहेगा। लड़का सब हमेशा चाहता है बहती गंगा में हम हाथ धो ले, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि उस लड़की के साथ जिसके साथ हम संबंध बनाए हैं उसके साथ जीवन व्यतीत करे। आप लोग सुधरिए, ध्यान दीजिए, अगर हमारी बातें गलत लगे तो भी कमेंट करें, अगर हमारी बातें सही लगी हो तो भी कमेंट जरूर करें। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।